नमस्कार, स्वागत है आपका सिंध न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। इस बुलेटिन में आज बात होगी दिल्ली में कल यानी 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा फहराने के समय की, जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा के इंतजाम की, राहुल गांधी पर एनसीपीसीआर की सख्त कार्रवाई की और बुलेटिन के आखिर में बात होगी अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की। मगर उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी 8वीं बार लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस को भव्य और दिव्य रूप से मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। देश के तमाम अन्य शहरों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 7:30 बजे प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर देश का तिरंगा झंडा फहराएंगे। टोक्यो में गोल्ड जिताने वाले भारत के जेवलिन थ्रोअर को 103 डिग्री फीवर, कोरोना रिपोर्ट आई निगेटिव। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए इकलौता गोल्ड मेडल जिताने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा पिछले 2 दिनों से बुखार से पीड़ित हैं। उनके शरीर का तापमान 103 डिग्री के आसपास आ रहा है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। अब बात करते हैं देश और विदेश की बड़ी और अहम खबरों की। 15 अगस्त को हरियाणा में ट्रैक्टर परेड करेंगे किसान, महिलाओं ने की रिहर्सल की अगुवाई। किसान 15 अगस्त को जिंद के उचाना कलाम में बड़ी ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी में हैं, जिसके चलते शनिवार को नेशनल हाईवे पर किसानों और महिलाओं ने ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल भी की। रिहर्सल कर रहे किसानों का कहना था कि 15 अगस्त की ट्रैक्टर परेड किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान करेगी। सितंबर में संयुक्त राष्ट्र जाकर महासभा को संबोधित कर सकते हैं पीएम मोदी। 14 सितंबर से शुरू होगा 76वां वार्षिक सत्र। तालिबान ने उत्तरी शहर मजारे शरीफ पर किया बड़ा हमला, अफगानिस्तान के लोगार प्रांत पर भी कब्जा। सत्यमेव जयते ट्विटर अकाउंट रिस्टोर किए जाने के बाद कांग्रेस ने किया पहला ट्वीट। कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट को बंद किए जाने संबंधित मैसेज का स्क्रीनशॉट फेसबुक पोस्ट में शेयर किया था। उसने कहा, जब हमारे नेताओं को जेलों में बंद किया गया हम तब भी नहीं डरे और अब ट्विटर अकाउंट बंद करने से क्या खाक डरेंगे। पीएम मोदी का ऐलान, विभाजन विभीषक स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा 14 अगस्त। बोले, बंटवारा का दर्द भूल नहीं सकते। पीएम मोदी ने लिखा, नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों भाई बहनों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। पीएम मोदी ने लिखा, ये दिन हमें सामाजिक विभाजन दूर करने की याद दिलाता है। बिहार में 15 जिलों पर बाढ़ का कहर, 11 नदियां उफान पर, आईएमडी ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। बिहार बाढ़ का कहर झेल रहा है। पटना में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं 15 जिले बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं। एनसीपीसीआर ने राहुल के इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर फेसबुक के अधिकारियों को किया तलब, मंगलवार को पेश होने का दिया निर्देश। एनसीपीसीआर ने शुक्रवार को फेसबुक से कहा था कि वो दिल्ली में कथित दुष्कर्म की पीड़िता 9 साल की बच्ची के माता पिता की तस्वीर पोस्ट करने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल के खिलाफ कार्रवाई करे। 257 अफगान सिख और हिंदू परिवारों को काबुल से जल्द निकालें, वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के गृह मंत्री अमित शाह से अपील। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में आज लखनऊ में तिरंगा यात्रा निकालेगी आप सरकार, संजय सिंह करेंगे अगुवाई। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यानी आज शाम राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करेंगे। वहीं इस दौरान सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं के तिरंगा यात्रा में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी में माफियाओं पर ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी, गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की और संपत्ति होगी जब्त। दिल्ली रेप केस में राहुल गांधी के फोटो ट्वीट करने पर कोई आपत्ति नहीं, रेप हत्या मामले में बच्ची खो चुकी मां बोली। मध्य प्रदेश में विश्वास सारंग ने साधा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना, कहा कांग्रेस के सभी नेता बनना चाहते हैं पप्पू। सारंग ने राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए जाने को लेकर कहा, राहुल गांधी ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट इसलिए ही ब्लॉक किया क्योंकि उन्होंने पीड़िता महिला का नाम उजागर किया था। अफगानिस्तान के पूरे दक्षिणी हिस्से पर तालिबान का नियंत्रण, 4 और शहरों पर किया कब्जा, अब राजधानी काबुल की ओर बढ़ा। बिहार में तेजस्वी यादव ने पीएम को चिट्ठी लिख लगाया सीएम नीतीश कुमार के अपमान का आरोप, कहा जातिगत जनगणना पर फिर विचार करे केंद्र। चिट्ठी में तेजस्वी यादव ने पीएम को बताया कि आज से करीब 90 साल पहले जातिगत जनगणना हुई थी, 1931 के बाद से जाति के आधार पर जनगणना नहीं हुई है, लेकिन अब ये समय की मांग है। पंजाब में एंट्री के लिए सोमवार से फुल वैक्सीनेशन या नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दूसरे राज्यों से पंजाब में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र या नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना सोमवार से अनिवार्य कर दिया है। शनिवार को जारी इस आदेश में हिमाचल प्रदेश और जम्मू से आने वाले लोगों की कड़ी निगरानी के भी निर्देश दिए गए हैं, जो हाल के दिनों में संक्रमण की दर बढ़ी है।
कांग्रेस अगले साल 15 अगस्त पर नई बिल्डिंग में फहराएगी तिरंगा, हाईटेक होगा भवन। कांग्रेस को शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से पहले मौजूदा कार्यकाल खाली करने का नोटिस मिला था, लेकिन पार्टी ने नए बिल्डिंग के निर्माण हो रहे देरी का हवाला देकर मौजूदा कार्यालय अभी खाली न करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय से कहा है। कामरान अकमल ने फिर अंग्रेजी में की गड़बड़, फैंस बोले अंग्रेजों ने देख लिया तो फिर गुलाम बना लेंगे। कामरान अकमल ने 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस पाक खिलाड़ी ने स्वतंत्रता की बधाई अंग्रेजी में दी और इसी वजह से सोशल मीडिया पर उनका जमकर मजाक उड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस पर हमले की बड़ी साजिश नाकाम, जैश के 4 आतंकी गिरफ्तार। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जैश के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। रेलवे 20 स्पेशल ट्रेन कर रहा बहाल, 15 अगस्त से शुरू होगी टिकट बुकिंग। पश्चिम रेलवे ने 10 जोड़ी यानी 20 स्पेशल ट्रेनों को अगली सूचना तक बहाल करने का ऐलान किया है। IOCL रिक्रूटमेंट 2021 में इंडियन ऑयल में 10वीं 12वीं पास के लिए बंपर वैकेंसी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वैकेंसी के तहत कुल 480 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों पर आवेदन के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार IOCL के ऑफिशियल वेबसाइट IOCL.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नीट 2021 में नीट परीक्षा के संबंध में नया नोटिस जारी, उम्मीदवारों को मिली राहत। नीट 2021 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट 2021 परीक्षा के संबंध में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक नीट परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान करने की समय सीमा NTA द्वारा बढ़ा दी गई है। NTA की ओर से जारी नोटिस के अनुसार रजिस्टर्ड उम्मीदवार अपने आवेदक शुल्क का भुगतान कल यानी 15 अगस्त 2021 को रात 11:50 तक कर सकते हैं। यूपी के पूर्व चर्चित IPS अमिताभ ठाकुर ने किया ऐलान, CM योगी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। 1992 बैच के पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। यूपी के 7 जिलों में SP का पद संभाल चुके हैं अमिताभ ठाकुर। एक तेज तर्रार और कड़क पुलिस अफसर के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने ऐलान किया है कि अब वो उत्तर प्रदेश में CM योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। सूत्र से पता चला है कि राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देंगे अशरफ गनी, परिवार के साथ अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारी। ज्योतिराव सिंधिया को चाहिए पिताजी वाला बंगला, पूर्व मंत्री निशंक नहीं है राजी। नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद ज्योतिराव सिंधिया उसी बंगले में रहना चाहते हैं जहां कभी वे पिता माधव राव सिंधिया के साथ रहा करते थे। ये बंगला अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के पास है, जिसे खाली करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। तालिबान का पाक बॉर्डर से लगते प्रांत पर कब्जा, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बोले सेना को करेंगे एकजुट। अफगानिस्तान में तालिबान के कहर के बीच राष्ट्रपति अशरफ गनी ने शनिवार को देश को संबोधित किया। ये तो थी आज की बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अब तक लिए इतना ही, इजाजत लेते हैं आपसे, तब तक लिए देखते रहे SC News। धन्यवाद।